आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ और अब इसे राज्यपाल महोदय की मंजूरी भी मिल चुकी है। बेहद ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के सभी लोग खुश हैं और अपने मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में बीते दिनों जातीय गणना कराई गई थी जिसको लेकर उसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर को सार्वजनिक कर दी गई थी, जिसके बाद से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बिहार में जाति के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जाएगा या नहीं। शीतकालीन सत्र में नीतीश सरकार ने विधानसभा और विधानमंडल दोनों से ही जाति के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने का बिल पास करा लिया था, जिसके बाद इंतजार था तो वो राज्यपाल की स्वीकृति का था और अब इस बिल को राज्यपाल की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जातीय आरक्षण बिहार में एक बार फिर से जो दायरा है उसे बढ़ाया जा चुका है। इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा का क्या कुछ कहना है, हम आपको पहले वो सुनाते हैं। लाख साजिशों के बावजूद बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना कराई और रिपोर्ट सार्वजनिक। आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ और अब इसे राज्यपाल महोदय की मंजूरी भी मिल चुकी है। बेहद ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के सभी लोग खुश हैं और अपने मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने दृढ़ संकल्प से साबित किया है कि यदि नीति और नियत सही हो तो सफलता जरूर मिलती है। बिहार के इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और यह उन लोगों को करारा जवाब है जो पिछड़ों अति पिछड़ों के दुश्मन है। नीतीश कुमार जी ने अपनी नीति से साबित किया है कि सर्व समाज का विकास कैसे किया जा सकता है, पिछड़ों अति पिछड़ों को, दलित महादलित समाज के लोगों को उनका हक अधिकार कैसे मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में है। आपने सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा को किस तरीके से नीतीश सरकार के कामों की और नीतीश कुमार की नीतियों की तारीफ करते नजर आ रहे थे, तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे थे। अभिषेक झा का कहना है कि लाख विरोधों के बाद भी बिहार में जातीय आरक्षण को बढ़ा लिया गया है, राज्यपाल की स्वीकृति अब इस बिल को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने यह साबित किया है अपने दृढ़ निश्चय से कि अगर आपकी नीति साफ हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, नीतीश कुमार ने यह साबित किया है कि अगर अच्छी नीयत से अगर आप कोई काम करना चाहे तो वो जरूर होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लाख विरोध के बाद भी इस बिल को दोनों सदन से पास करवाया था और अब इसे राज्यपाल की स्वीकृति भी मिल चुकी है। साथ ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जो लोग पिछड़ों अति पिछड़ों के विरोध में थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक बनकर साबित होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने दृढ़ निश्चय से बिहार में जाति के आधार पर आरक्षण का दायरा का बिल दोनों सदनों से पास भी करवाया और अब उसे राज्यपाल की स्वीकृति भी मिल चुकी है। नीतीश कुमार की इस नीति की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, किस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफों की पुल बांधते नजर आए, साथ ही नीतीश कुमार की नीतियों के बारे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।